फिजिकल पेंडुलम क्या चीज है? देखो फिजिकल पेंडुलम है, अगर आपने एक धागा लिया, नीचे पत्थर बांध दिया पॉइंट मास और उसको घुमाया, तो कौन सा पेंडुलम है? सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अगर आपने ये पेन ले लिया रॉड और इसको ये कील से इसको दीवार से टांग दिया और इसको पेन को मूव करवाया, अब ये सिंपल पेंडुलम नहीं है, पूरी रॉड की रॉड ऑसिलेट कर रही है, ये फिजिकल पेंडुलम है। अच्छा, अगर आपने एक फोटो फ्रेम लिया, फ्रेम को कील टांगा और घुमाया, तो ये सिंपल पेंडुलम नहीं है, ये फिजिकल पेंडुलम है। अगर आपने एक रिंग ली, रिंग को कील पे टांग दिया, इसको घुमाया, तो ये भी फिजिकल पेंडुलम है। तो यानी कि अगर कोई बॉडी पॉइंट मास नहीं है, रिंग है, डिस्क है, फोटो फ्रेम है, रॉड है, कुछ भी, बस पॉइंट मास नहीं है, जिसका आए एम आर स्क्वायर नहीं आता, पता नहीं कुछ अलग, तो वो फिजिकल पेंडुलम है, ठीक हो गया। तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकलता है? तो मान लो ये कोई भी शेप की बॉडी है, ये आपने एक्सिस यहाँ पे फिक्स कर दिया नेल के साथ, तो इसका एक्सिस है रोटेशन, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल अभी इसके नीचे है। आपने क्या किया, आपने इसको थोड़ा सा रोटेट किया, घुमाओ इसे, जब आप घुमाओगे तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा, राइट, यहाँ कहीं आ गया। तो जब सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ गया, यहाँ कहीं आ गया, सपोज ये डिस्टेंस डी है, पॉइंट एक्सिस का और सेंटर ऑफ मास की दूरी अगर डी है, और आपने इसको कितना रोटेट कर दिया, थीटा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डी साइन थीटा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये देखो, देखो तो इसमें क्या करेंगे, ये डिस्टेंस क्या है, डी, ये क्या है, डी, ये एंगल थीटा, ये प्लीज बना लें डायग्राम, इसका वेट क्या है, mg, तो ये क्या बनेगा, डी साइन थीटा, इसको प्लीज बनाएं, वो डायग्राम मत फॉलो करें, थोड़ा मुश्किल है, ये आसान है, ये बनाएं बुक में। तो ये बताएं इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, इसमें फोर्स mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो कितना, d साइन थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, माइनस mg इनटू d साइन थीटा, कोई डाउट इसमें, तो रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया, ये देखो ये लिखा हुआ है माइनस mg इनटू d साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है, i टाइम्स एल्फा, और एंगल साइन थीटा स्मॉल है तो थीटा, तो यहाँ पे आई नीचे आ गया, अब आई अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा विद नेगेटिव साइन, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये एंगुलर एसएचएम हो गया। एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन कंपेयर करके क्या आ गया, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू फॉर्मूला इसको याद करो, ओमेगा इज इक्वल टू एम जी डी बाई आई, वेयर डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन जो भी एक्सिस है और सेंटर ऑफ मास, ओ और सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस को डी बोलते हैं। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ओमेगा क्या है, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम जी डी बाय आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम जी डी लिख लें, कई बुक्स ये भी यूज करती हैं टाइम पीरियड। डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे सपोज करो ये ठीक है यहां तक, तो इसको यूज कैसे करना है, इसको एक बार देखो,